सुल्तानपुरा दुग्ध उत्पादक बनासकांठा जिला सरकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा आज माधोगढ़ तहसील के ग्राम सुल्तानपुरा में किसान जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। किसानों को बनासकांठा डेयरी के बारे में गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूकता अभियान के तहत लाभ के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर MPO ललित मिश्रा, अध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह, सचिन पुष्पेंद्र सिंह, समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। संवाददाता वेद प्रकाश की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। अच्छा, किस गांव के निवासी हैं आप? ग्राम सुल्तानपुरा निवासी हैं। अच्छा, जो आज जो बनासकांठा जिला सरकारी दुग्ध उत्पाद संघ से आप किस पद पर नियुक्त हैं? मैं अपने एक समिति में सचिव पद पर नियुक्त हूँ। अच्छा, लोगों को क्या जागरूकता, क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में, क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को जागरूकता ये है कि जो लोग बाग प्राइवेट डेयरियों में भटक रहे हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, तौल में कटौती हो रही है, रेट में भी कम मिल रहा है, और हमारी जो डेयरी है अमूल संस्था से जुड़ी हुई है बनासकांठा के नाम से, वो बोनस भी वितरण करती है, किसानों का अच्छा रेट भी देती है, यही सब, और जो पशुओं की दवा वगैरह है ये भी वितरण करने जा रही है। एक नई संस्था और चलने वाली, इसमें जो दवा खाद बीज सब वितरण होगा। मतलब इसी बनासकांठा से अपनी और भी कई सुविधाएं लाभ देना चाहते हैं किसानों को, जानवरों को दवा वगैरह ऐसी सब कुछ वगैरह भी देगी, और किसानों को ये पशुपालन के लिए लोन भी मुहैया कराने के लिए आधार बेस पे तैयार है। उसमें सचिव और अध्यक्ष की वो सहभागिता रहेगी, किसान जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, अपना लाभ लें। अच्छा, इसमें किसान को क्या करना पड़ेगा जो आपकी डेयरी में, मतलब जो जुड़ने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे प्राइवेट डेयरियों में लोग बाग दूध देते हैं तो वो यहाँ आएँ, डेयरी पे चेक कराएं, और अन्य डेयरियों से जो है ज़्यादा रेट मिले, ज़्यादा लाभ मिले तो जुड़ें। ये यहाँ कितनी डेयरी हैं यहाँ आपके जालौन डिस्ट्रिक्ट में? जालौन डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी डेयरी हैं, इसका संस्था जो यूनिट है वो कठौन में बनी हुई है। तो आपका मतलब कौन सा, सुल्तानपुरा गाँव पड़ता है, यहाँ पर भी है? कितनी वर्ष हो गई उसको? ये 2017 से संचालित है, और काफ़ी हर गांव में है, अभी जो चल रहा है काफ़ी गांव में है, वहाँ ब्राह्मणपुर तक जाती है गाड़ियाँ, औरैया तक जाती है, हर जगह सुविधाएं हैं आपकी।